ऑल राइट, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड। सबसे पहले सभी को गुड़ी पाड़वा और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की छुट्टी है इसलिए मेरे को ज़्यादा प्रेशर नहीं है सुबह सुबह, इसलिए हम पहले जल्दी से जिम जाएंगे, एक प्री वर्कआउट मील लेके लेग स्ट्रेन करेंगे एंड जो भी बची कुची पढ़ाई है वो घर पे आने के बाद लगाएंगे। सो या आई विल सी यू गाइज स्ट्रेट एट द जिम। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लेग डे। स्टार्टिंग ऑफ, आप सबको मालूम है एज यूजुअल मैं हर लेग डे हैमस्ट्रिंग्स के साथ स्टार्ट करता हूँ एंड मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन भी करूँगा इसका लॉजिक क्या है। इन कंपेरिजन टू माई क्वाड्स मेरे हैमस्ट्रिंग्स थोड़े से वीक पड़ते हैं, इसलिए मैं हमेशा जब भी लेग्स लगाता हूँ आई स्टार्ट ऑफ विथ कोई हैमस्ट्रिंग का मूवमेंट। उससे क्या होता है, मेरे हैमस्ट्रिंग्स को फ्रेशर वॉल्यूम मिलता है एंड उससे भी ज़्यादा जो भी मेरी क्वाड की मेन कंपाउंड प्रेसिंग मूवमेंट होती है ना, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी फील होती है बिकॉज मेरे हैमस्ट्रिंग्स में बहुत अच्छा ब्लड फ्लो होता है। तो पहली मूवमेंट के लिए हम लोग लाइंग लेग कर्ल्स लगाने वाले हैं। लास्ट टाइम 60 केजीस के साथ यू गॉट 7 रेप्स, आज उससे ज़्यादा पुश करेंगे। सो लेट्स गो। ऑल राइट, टाइम फॉर लेग प्रेस। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 सेट्स करने वाला हूँ बट वो इतने इंटेंसिटी एंड इतने ऑल आउट फेलियर तक होंगे कि मुझे और स्टिमुलस के लिए 2 से ज़्यादा एक भी सेट नहीं लगने वाला है। आपको लग रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ या कुछ तो भी, बट व्हेन यू लुक एट हाउ आई डू द सेट तुमको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको ये यूज़ करना है क्या? थैंक यू। नहीं नहीं अभी चालू कर रहा हूँ सेट। Let me just get it down, bro. Holy shit, bro. अगर आपने ये इंटेंसिटी के साथ एक भी सेट लगाया ना, ट्रस्ट मी 1 to 2 सेट्स ऑल यू नीड टू ग्रो। लेट्स गो, एक और सेट करूंगा यहाँ पे, बटो मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाला। टाइम फॉर हिप एडक्शन। लेग प्रेस के बाद मैंने ना कम से कम 10 मिनट के लिए मैं ऐसा बैठा हुआ था ऐसे, मेरे जान खत्म हो चुकी थी एकदम। आई हैड 0 लाइफ लेफ्ट इन मी। बहुत बहुत ज़्यादा टायरिंग सेट्स थे दोनों के दोनों, सो आई टू टेक अ गुड अमाउंट ऑफ ब्रेक। एंड लॉजिकली लेग प्रेस के बाद मैं लेग एक्सटेंशन तो नहीं करूँगा बिकॉज मेरे क्वाड्स अभी भी बहुत डेड लग रहे हैं। सो इसलिए हम हिप एडक्शन करेंगे, फिर लेग एक्सटेंशन करेंगे एंड देन काफ्स से हमारा लेग डे खत्म करेंगे, या काफ्स भी पहले करेंगे लेग एक्सटेंशन एंड में करेंगे, आई एम नॉट श्योर येट, बट हाँ करते हैं। यहाँ पे आई थिंक मैंने पहला सेट यहाँ पे कर चुका हूँ मैं, 36 के साथ वी गॉट 8 रेप्स, जो मेरा गोल था वो हमने हिट किया। अब मैंने 29 पे ड्रॉप किया एंड आई एम जस्ट गोना पुश इट ऑल आउट फेलियर तक एंड एंड में थोड़े से पार्शियल्स भी करेंगे बिकॉज एडक्टर्स पे जब मेरे को अच्छा सा स्ट्रेच फील होता है ना, आई फील वेरी गुड बिकॉज माइंड मसल कनेक्शन मैं सबसे ऊपर रखता हूँ बाकी कोई चीज़ों में से भी। तो या लेट्स गो, गुड सेट।
गुड सेट। अभी जाके लेग एक्सटेंशंस करते हैं, आई थिंक मेरे को फील आ रहा है लेग एक्सटेंशंस का, सो लेट्स गो। ओके अभी जाके आई थिंक हम लेग एक्सटेंशंस करेंगे, बिकॉज आई फील माई क्वाड्स आर रिसेंटली रिकवर्ड। तो दो हार्ड सेट लेग एक्सटेंशंस पे भी एंड 3 sets ऑन काफ्स गेम प्लान आज का, उसके बाद पोजिंग एंड घर जाएंगे। आज छुट्टी है वैसे तो, आई एम नॉट ज़्यादा रश में नहीं हूँ मैं। गुड सेट, आई थिंक मैं एक सेट और करूँगा यहाँ पे, फिर थोड़े काफ्स करेंगे एंड देन लेग डे ओवर, सो लेट्स गो। ऑलराइट, शायद से आप लोग वंडर कर रहे होंगे कि वो लेग एक्सटेंशन के सेट पे मैंने और थोड़ा पुश क्यों नहीं किया। मैं हमेशा बहुत ऑनेस्टली बात करता हूँ अपने ऑडियंस से, मैंने वो सेट है ना 3 बार रिकॉर्ड किया। मेरे को एक्चुअली लेग एक्सटेंशन पे सिर्फ 2 सेट करने थे, आई हैड टू एंड अप डूइंग 3 sets बिकॉज वो जो मेरे को एंगल चाहिए था ना वो मिल नहीं रहा था। बट फाइनल सेट में आपने देखा मेरा क्वाड्स कितना पॉप हो रहा था, जस्ट बिकॉज हमने परफेक्ट एंगल ढूंढा उसके लिए। सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा शाय ऑफ फेलियर स्टॉप किया, बिकॉज मैं ऑलरेडी काफ़ी मर चुका था। इसके बाद हम लोग 2 sets या 3 sets करेंगे, आई थिंक 2 sets, मेरे में बिल्कुल जान नहीं बचा है। 2 sets करेंगे काफ रेसिस पे, वहाँ पे मैं बस छोटा सा क्लिप डालूंगा बिकॉज स्टैंडिंग काफ रेस का वीडियो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। अगर मेरे को रिसेंटली काफ्स के सेट्स रिकॉर्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है यार, बिकॉज देर इज़ नो वे फॉर मी टू एंगल माई कैमरा प्रॉपरली। तो अगर किसी के पास कोई टिप्स है तो प्लीज़ बताओ, क्योंकि या तो मैं सिर्फ काफ्स रिकॉर्ड कर सकता हूँ या मैं सिर्फ अपना खोपड़ा रिकॉर्ड कर सकता हूँ। सो या एनी हेल्प वुड बी वेरी अप्रिशिएटेड। सो या थैंक्स गाइस। Makes sense. All right, भाई अभी अराउंड शाम के 7 बज रहे हैं एंड सुबह जिम से आने के बाद सबसे पहले तो हमने 2 बहुत बहुत बढ़िया मील किए। फॉर माई पोस्ट वर्कआउट मील मैंने प्रोटीन पैनकेक्स बनाए थे एंड देन उसके बाद थोड़ा काम करके मैंने लंच किया था। लंच में मैंने साबूदाने की खिचड़ी, अंडे का भुर्जी एंड थोड़ा सा मैंगो खाया था। और वो करते करते उसके बाद मैंने, आज मेरा दिन इतना वेस्ट हुआ ना भाई, मैं ट्राई कर रहा था, मैं अपने जो सारे वीडियोज़ हैं वो शूट करता हूँ एक आईफोन पे, और मेरे को रिसेंटली प्रीमियर प्रो यूज़ करना सीखना था। तो मैंने प्रीमियर प्रो तो मेरे पास पहले से ही था, बट मेरे को ट्रबल आ रहा था ये क्या बोलते हैं क्लिप्स ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम माई फ़ोन टू माई PC, क्योंकि मेरे पास मैक नहीं है, मेरे पास विंडोज़ का कंप्यूटर है एंड उसके बीच में कोई एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन ऑफिशियल है नहीं। आप उससे फ़ोन को कनेक्ट करके कर सकते हो, बट उसमें 1-2 घंटे लग रहे थे थोड़े थोड़े क्लिप्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो एक SMB क्लाइंट सेटअप करने का बात करते हैं
एंड भाई वो मैंने इतनी देर किया, एंड में पता चला कि जो विंडोज़ में जिस पे हूँ उस पे वो सपोर्टेड ही नहीं होता है। दिमाग ख़राब हो गया भाई मेरा और मैं सो गया फिर। तो मैंने खाना भी बहुत खाया था, आनी दोपहर चीज़ होप, दैट्स व्हाट वी कॉल इट इन पुणे, इट्स डिफरेंट। आज छुट्टी भी थी ना, तो अभी मैं शाम को उठ गया हूँ एंड हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। सो हम अपने कैट के ग्राइंड पे वापस जाने वाले हैं। तो आज मेरे को एक्चुअली काफ़ी काम है, 15 अप्रैल को कॉलेज में 2 प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो उसका भी काम करना है एंड वी हैव टू गेट बैक ऑन आर कैट ग्राइंड। तो आज से वो चालू, पढ़ाई करने बैठते हैं, लेट्स गो। आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने आज कैट की बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, जस्ट टू गेट बैक इन द लूप मैंने सारे टॉपिक्स का एक ओवरऑल ब्रश लिया, एंड उससे ज़्यादा एक्चुअली मैंने आज का हमारे मार्केट रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी, बिकॉज मेरे को सुबह टाइम नहीं मिला था। तो हमने इकोनॉमिक टाइम्स बहुत अच्छे से पूरा स्कैन करके पढ़ा है, एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मिली हैं जिसके बारे में मैं शायद से कल या परसों बात करूँगा। बट हाँ, आज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ये कि कैट में हमको किस तरीके से अब कल से प्रोसीड करना है। सो फ्रॉम टुमारो वील बी बैक ऑन द हार्ड ग्राइंड अगेन। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अब हम कल के एपिसोड में मिलेंगे। सो सी यू गाइस टुमारो।